हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू साइबर ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कोजेन डिवाइस को हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में कैसे इंस्टॉल किया जाए और हमारी बी सी आई डी पर उसे कैसे चलाया जाए। दोस्तों, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो को चलने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, यदि कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, हम आपकी मदद जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं क्रोम में। दोस्तों, आर डी सर्विस डाउनलोड करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके वो डायरेक्ट आर डी सर्विस डाउनलोड के ऑप्शन पे जा सकते हैं। दोस्तों, इंस्टॉलेशन करने के लिए क्रोम पे आना है, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्रोम पे आने के बाद दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे डिवाइस के फ़ोटोज़ भी दे रखे हैं, तो हमारा जो भी डिवाइस हो उसको डाउनलोड एस डी के पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो मैं डायरेक्ट डाउनलोड में जाता हूँ। दोस्तों, डाउनलोड में जाने के बाद इस पर क्लिक करना, रन करवाने के लिए सी डी एस 200 आर डी सर्विस पर क्लिक करना है। और सबसे पहले हमको ड्राइवर इंस्टॉल करना है। दोस्तों, अगर ये यस नो मांगे तो यस कर देना है, नहीं मांगे तो कोई बात नहीं। इंस्टॉल इंस्टॉल होने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर रिटर्न पीछे आना है हमें और मैनेजमेंट क्लाइंट पर जाना है। मैनेजमेंट क्लाइंट पर इसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आई अग्री एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आर डी सर्विस अपडेट अवेलेबल क्लिक डाउनलोड बटन पर तो डाउनलोड करना है हमें दोस्तों से। डाउनलोड करने के लिए ओके पर क्लिक करना है। ओके करने के बाद क्लोज कर देना है। फिर रिटर्न से बैक आना है दोस्तों और फिर पी बी आर डी सर्विस इंस्टॉल करना है। दोस्तों, इसे इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यस, नेक्स्ट, आई अग्री एंड नेक्स्ट और इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आर डी सर्विस अपडेट अवेलेबल पर क्लिक करना है। यस आप यस कर देना है। यस एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों कंप्लीट हो गया है, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद दोस्तों, हमें जाना है हमारे इंटरनेट एक्सपोर्ट पर। यहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स होती है जो हमें करनी रहती हैं। दोस्तों, वो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले टूल्स में जाना है, सेटिंग में। सेटिंग के अंदर दोस्तों इंटरनेट ऑप्शन में जाना है। इंटरनेट ऑप्शन के अंदर दोस्तों कंटेंट के अंदर जाना है। कंटेंट के अंदर सर्टिफिकेट्स होंगे दोस्तों, सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, जो नीचे दिख रहा है इम्पोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और फिर यहाँ पर फाइल ब्राउज़ करना है हमें। दोस्तों, फाइल ब्राउज़ करने के लिए हमें जाना होगा लोकल डिस्क सी में। तो सी के अंदर जाने के बाद दोस्तों, लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर जाना है। दोस्तों, 86 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें ढूंढना है पेशेंस बायोमेट्रिक। दोस्तों, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद पी बी आर डी सर्विस, इसके अंदर दोस्तों दो सर्टिफिकेट मिलेंगे हमको, प्रेसियन सी ए एंड प्रेसिशियन एस एस एल। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रेसियन सी ए को इम्पोर्ट करना है, तो इस पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द सर्टिफिकेट स्टोर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिनिश करना है। फिनिश करते ही यहाँ पर आ जाएगा द इम्पोर्ट वाज सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर रिटर्न से हमें एक और सर्टिफिकेट इम्पोर्ट करना है,
सेम प्रोसेस है इसकी भी, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद SSL वाला सर्टिफिकेट लेना है हमें, और इसको नेक्स्ट करना है ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट फिनिश। ओके दोस्तों, दोनों होने के बाद इसको क्लोज दे देना है और हमें ब्राउज़र से बाहर आ जाना है। दोस्तों ब्राउज़र से बाहर आने के बाद हमें एक बार हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। हाँ तो दोस्तों, रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा डिवाइस रेडी टू यूज़। उसके बाद दोस्तों हमें इंटरनेट एक्सपोर्ट खोलना है और हमारे BC साइट पर जाना है। दोस्तों BC साइट पर जाने के बाद हमें हमारी BC ID को लॉगिन करना है। ID खोलने के बाद दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते आपका डिवाइस की लाइट जल जाएगी और आप अपनी उंगली या अंगूठा लगा के ये देखिए दोस्तों, आप जैसे फिंगरप्रिंट वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करना और आपकी BC ID लॉगिन हो जाएगी दोस्तों। यदि दोस्तों आपको किसी और डिवाइस की सेटिंग के बारे में भी जानना हो या किसी अन्य डिवाइस की सेटिंग ना आती हो तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं।